भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी चटपटी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ी किसी भी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जन्माष्टमी पर राधा बनी भोजपुरी की स्टार गुंजन पंत, कहा कान्हा है मेरे भाई। टीआरपी रेटिंग में टॉप पर चल रही भोजपुरी कॉमेडी टीवी शो बगल वाली जान मारेली की अदाकारा गुंजन पंत इस जन्माष्टमी किसमिस भौजी यानी राधा रानी के गेटअप में नजर आने वाली हैं। जी हां, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस बार शो बगल वाली जान मारेली में राधा कृष्ण के थीम पर शूट किया गया है, जिसमें गुंजन पंत राधा रानी के बेहद आकर्षक गेटअप में नजर आ रही हैं। इनकी तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया में भी आ चुकी है। शो में राधा रानी के किरदार को लेकर गुंजन पंत बेहद उत्साहित हैं और कहती हैं कि वैसे तो शो में हमने कई तरह के त्योहार मनाए हैं, लेकिन जन्माष्टमी मनाने का मौका मुझे पहली बार मिल रहा है, यह मेरे लिए बेहद खास है और शूट के दौरान राधा रानी के किरदार को प्ले करने में मजा भी आया। गुंजन पंत ने कहा कि श्री कृष्ण जी को मैं अपना भाई समझती हूँ, कृष्ण से मेरा विशेष लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कई सारी फिल्मों में मेरे किरदार का नाम राधा रहा है और आज जब इस शो में मुझे राधा का रोल करने का मौका मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। मार्च में शुरू हुई गुंजन पंत की भोजपुरी कॉमेडी टीवी शो बगल वाली जान मारे ली ने अभी हाल ही में अपने सफलतापूर्वक 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, जिसको लेकर गुंजन बेहद खुश हैं। भोजपुरी फिल्मों के हर एक अपडेट्स जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद भोजपुरी फिल्मी तड़का।